नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि आज का दिन जब जनता तय करेगी कि कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम और साथ ही साथ नालासोपारा बस्सी विरार के इलाके का विधायक। हम इस समय नालासोपारा पूर्व के केएमपीडी स्कूल के ठीक पास मौजूद हैं और यहाँ पर लोग मतदान करने आए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका मत किसको जाने वाला है। वो मत परंपरा को देने वाले हैं या परिवर्तन को देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है, क्या कहेंगी वोट देकर आ गई हैं। हाँ, किसको वोट दिया है, कौन से मुद्दे हैं, परंपरा या परिवर्तन? परिवर्तन। परिवर्तन। आप क्या कहेंगे, आपने किसको वोट दिया है? परिवर्तन। क्यों, आखिर परिवर्तन क्यों? मुझे लगता है बदलाव होना चाहिए। 35 साल से जो सत्ता है क्या उसने विकास नहीं किया? नहीं, लोगों को दूसरों को भी चांस देना चाहिए ना, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हुआ नहीं है, तो उनको चांस दे के देखे कि वो क्या बदलाव कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इस बार बस्सी विरार की जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। नहीं, परिवर्तन होके ही रहेगा। वोट देकर आ गया? यस। किसको वोट दिया है, परंपरा या परिवर्तन, क्या चाहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? ऐसा अब तक जो चलता आ रहा था उससे क्या संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट तो है, लेकिन अपन सोचते कि चलो शांति तो बने रहे। इस बार परिवर्तन देखना है। यस यस। तो क्या लगता है, नालासोपारा बस्सी विरार में परिवर्तन होगा? जरूर जरूर, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पानी के घरता है बारिश का, सब गाड़ी वाले सब सीटें उड़ाते हैं, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, कुछ अलग कुछ डेवलपमेंट दिखना चाहिए। क्या कहेंगी काकी, कहाँ रहती हैं? मैं नालासोपारा टाकी रोड में। वोट दिया? हाँ दिया। किसको दिया, परंपरा या परिवर्तन? परिवर्तन। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। क्या कहेंगे यश भाई, वोट दिया आपने? हाँ मैंने वोट तो दिया। किसे दिया? परिवर्तन या परिवर्तन? परिवर्तन को दिया। परिवर्तन क्यों, आखिर जो परंपरा चली आ रही है क्या विकास नहीं हुआ यहाँ पर? विकास तो हुआ है, लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए वो तो हुआ नहीं है। आप लोग देख रहे हो ईस्ट वेस्ट के ब्रिज का क्या हालत है, हर बार एम्बुलेंस में कोई ना कोई एक्सपायर होता है, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट होता है, मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है। फिर यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे लाइट 10-10, 15-15 हज़ार रुपये आ रहा है, तो जिसका पगार 20 हज़ार रुपये है वो कहाँ से 10-15 हज़ार भरेगा। इसलिए परिवर्तन लाना जरूरी था, इसके लिए मैंने सिक्स मारा। सिक्स मारा? हाँ, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, इसलिए आपने सिक्स मारा। सिक्स मार दिया। अच्छा, सत्ता पक्ष तो ये कहता है कि उन्होंने विकास किया है। विकास तो किया है, लेकिन जहाँ नवी मुंबई को और हमारे वसई विरार को कंपेयर करेंगे ना, तो वसई विरार बहुत पीछे हो गई है, नवी मुंबई बहुत आगे निकल गई। आज प्रॉपर्टी का रेट देखो, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, बहुत जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ पे रेप के केसेस सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो क्या लगता है, परिवर्तन होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा, यूथ परिवर्तन के साथ ही तो हो गई, बाकी जनता के ऊपर ही वो किसको वोट दे। मैं तो परिवर्तन को वोट दिया हूँ, जिससे चेंजेस आना ज़रूरी है, और यूथ भी चाहते कि कुछ नया हो, जिसपे क्या पता चलेगा, जो पहले वाले काम कर रहे और अभी वाले काम में तो फर्क तो गिरेगा ना, अभी जिस हम जो काम नहीं किया तो पहले वाले को वापस से लेके आएंगे हम, ये लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि नालासोपारा के केएमपीडी मतदान केंद्र पर जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनका यही कहना है कि वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब हम सीधे रुख करेंगे अपनी सहयोगी दीक्षा पाठक की ओर, जो कि नालासोपारा के अचोले रोड के मतदान केंद्र पर उपस्थित है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहां के लोगों का क्या मत है और वो लोग किसको वोट देना चाहते हैं, लगातार जो परंपरा है वो बनी रहेगी या फिर नालासोपारा के लोग इस बार परिवर्तन चाहेंगे। तो भैया बताया था ना कि सच चुका है वसई विरार का चुनावी अखाड़ा, नेता सुना चुके हैं 2 और 4 का पहाड़ा, लेकिन आज जनता सुनाएगी कि क्या है 2 और 4 का पहाड़ा, क्योंकि वो बताएंगे कि आज ये फाइनल कौन जीतने वाला है और किसके ऊपर सजेगा वसई विरार का ताज, क्या होगा बदलाव या फिर घूमेगा वही पुराना रिवाज। खैर, हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो अभी वोट देकर आए हैं, ताजा पूछते हैं उनसे कि क्या अपडेट है और किन किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है। बताइए सर, किन किन मुद्दों पर वोट दिया है आपने? एक ही मुद्दा, विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, विकास नहीं हुआ? विकास और होना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी तो बोल रही है कि विकास हुआ है, और होना चाहिए विकास, और होना चाहिए। कहाँ से आए हैं वोट देने आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं आप? मतलब अभी यहाँ रहते थे? यहाँ का ही हूँ, लेकिन अब हैदराबाद शिफ्ट हो गया हूँ। कितने लोग आए हैं हैदराबाद से? 4 लोग आए हैदराबाद से। ये होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, ये दीवानगी होनी चाहिए कि, और ये है एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य, ये हैदराबाद से वोट देने के लिए आए हैं लोग। यहाँ पे 200 मीटर है फिर भी वोट देने नहीं आ रहे, क्योंकि आलम ये है कि अभी तक 40% ही वोटिंग हुई है, आंकड़े बता रहे हैं। अगर इस तरीके के आंकड़े रहेंगे तो किस कैसे निष्पक्ष और सही फैसला आएगा? आप सब जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, वोट दीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से, इनके साथ में ही आए हैं। आप भी हैदराबाद से आए हैं? जी, हमारा लॉकडाउन के बाद कंपनी ने हमारा ट्रांसफ़र कर दिया था हैदराबाद,
फिर ये चुनाव आया तो हमें याद आया कि हमें हमारा मतदान वहाँ है तो हमें जाकर अपना मत देना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या मैं पूछ सकते हो कि कौन सी पार्टी के लिए आप चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? क्या बदलाव होना चाहिए या फिर वही पुराना रिवाज जो दशकों से चलता आ रहा है? पार्टियाँ सारी जनता की ही पार्टियाँ हैं, पार्टियाँ कोई अलग पार्टी नहीं होती है। पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारी जनता की ही सारी पार्टियाँ बनाई हुई हैं। वो जो भी पार्टी आएंगी हमारे सबके लिए ही काम करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए, जो भी आए, वो हमारे लिए विकास और हमारे लिए अच्छी सुविधाएं लेकर आए। मतलब अभी विकास नहीं है? विकास है और चाहिए हमें विकास, बड़ा विकास चाहिए। आइए बताइए किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं पहले आप ये बताइए। मैं नाला सुपारा में रहता हूँ। नाला सुपारा में रहते हैं, और मतलब किस तरीके का विकास आप चाहते हैं अभी? विकास क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विकास तो हुआ है, तो आपके हिसाब से आपको क्या विकास लग रहा है? अब मैं तो बता दूंगी सर, तो पोल खुल जाएगी। मैं तो यहीं से हूँ, अब मैं तो पत्रकार हूँ, बता दूंगी तो पोल खुल जाएगी ना। हम तो आपका तो आप तो जनता है, आपका दिन है आज, आपको बताना चाहिए कि किस तरीके का विकास चाहिए आपको। सब तरीके का विकास चाहिए। मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहा है, देखिए कब तक आता है। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहिए। तो कुल मिला के बदलाव चाहते हैं ये आप बताइए, बदलाव चाहती हैं या फिर चाहती हैं कि वही पुराना रिवाज वापस आए? बदलाव। हैदराबाद से आई हैं आप भी? ये सभी लोग हैदराबाद से आए हैं। यहाँ लोग फिर से कहती हूँ कि 200 मीटर पे रहने वाले लोग यहाँ वोट डालने नहीं आते हैं, और यही कारण होता है कि एक सही पार्टी सत्ता में नहीं आती है। तो अपना अपना कर्तव्य निभाइए, वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आज आपका दिन है। आज आप वोट देंगे तब जाकर वसई विरार का सुनहरा भविष्य लिखा जाएगा, आपके एक वोट से फिर से लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, कैसे लिखा जाएगा? फिर से लिखा जाएगा। तो ये है बदलाव चाहती है जनता। कौन से पन्नों में? इतिहास के, वसई विरार के इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। मतलब बदलाव आप भी चाहती है? बिल्कुल, 100% बदलाव, 100% बदलाव, बिल्कुल। तो शिवानी, आप देख रही हैं कि ये सभी बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव की मांग कर रहे हैं, बदलाव के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया। आंकड़े अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये आप यहाँ पे देख सकती है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। वैसे कई नारे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आज की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ नारा दे रही, काम के नाम पे तो कुछ नहीं कर रही हैं। एक नारा हितेन ठाकुर ने दिया है कि बांटेंगे तो पीटेंगे। कल के माहौल के लेकर कुछ कहेंगे आप? हम लोग बोलेंगे कटेंगे तो बटेंगे। आप कटेंगे बटेंगे वाले हैं? तो देख सकते हैं कि बदलाव चाहती है आज की जनता। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निर्णायक फैसला आता है। आज फाइनल है, फाइनल के बाद कैसा रिजल्ट आएगा लोग बताएंगे। देखते रहे मेरा डॉक्टर। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।